हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। सावन का पावन महीना और हमारे घर पे आयोजित हो रहा है रुद्राभिषेक पूजा। चलिए इस छोटे से एपिसोड में आपको दिखाता हूँ इस पूजा की झलकियाँ। और ये लीजिए, पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। शिव पुराण के रुद्र संहिता में सावन मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता ये है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं, साथ ही इससे गृह जनित दोष और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में ये सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पूजा मानी गई है, जिसका फल भगवान शिव प्रसन्न होकर तत्काल ही दे देते हैं। गंगा माटी से सभी पंडित जी मिलकर शिव जी, पार्वती माँ, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान और नंदी की मूर्ति बना रहे हैं। और इसके साथ हमारी पूजा शुरू हो गई। रुद्र अभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रुद्र रूप का अभिषेक करना। भगवान शिव के और भी अभिषेक होते हैं, लेकिन रुद्र अभिषेक का अपना अलग स्थान है। ये है हमारे पंडित जी जो हमें रुद्र अभिषेक करने में मदद कर रहे हैं। Yeah.
अपने परिवार का खर्चा और ये लीजिए, अभिषेक की शुरुआत हो चुकी है। रुद्राभिषेक के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। तब विष्णु ने कहा कि आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है, लेकिन ब्रह्मा जी ये मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए दोनों भगवान में युद्ध हुआ। विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध से नाराज होकर भगवान रुद्र ने ज्योतिर्लिंग रूप में अवतार लिया। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि जो भी इसका अंतिम भाग को स्पर्श कर लेगा वही परमेश्वर साबित होगा। तब ब्रह्मा जी हंस बनकर लिंग के आगे का भाग और विष्णु जी वराह बनकर लिंग का नीचे का भाग ढूंढने लगे। हजारों साल तक कोई भी उस लिंग का अंत ना पा सका। तब दोनों ने हार मान ली। फिर दोनों ने मिलकर लिंग का रुद्राभिषेक किया और तब शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने फिर कहा कि आप दोनों मेरे ही देह से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी दक्षिण अंग से और विष्णु वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। शांति विष्णु देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्व शांति शांति देव शांति सामा शांति सर्वे कल्पाये नाना कंग्रस यथा सर्वे कामे नाना कंग्रसे ना विचिंचने मां शांति शांति भरवारिष्ट शांति रवा हम सभी मिलकर शिव जी को फूल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। हमारे पंडित जी फूलों से शिवलिंग बना रहे हैं। और फाइनली हम सब मिलकर भगवान की आरती कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली ये भव्य पूजा समाप्त हुआ। आपको ये ब्लॉग देखकर आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग को भी मन कर रहा होगा घर पे रुद्राभिषेक कराए, जिनको मन करे वो कराए, बाकी मेरे लेंस के थ्रू इस ब्लॉग को देख भगवान का आशीर्वाद लें और दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में ये ब्लॉग को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद फिर किसी और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।